बड़ी बातें, आज जो चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है 10 मार्च जो मुकर्रर हुआ है दिन नतीजों का, तो वो आप समझिए चुनाव ऐलान की खास बातें। ये खास तौर पे ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किया है। 15 जनवरी तक रैलियों पर, रोड शो पर, नुक्कड़ सभा पर, हर तरह की जो फिजिकल रैलीज हैं उस पर रोक चुनाव आयोग ने लगा दी है। जीत के बाद विजय जुलूस पर भी रोक लगा दी है, यानी जो दूसरी लहर कोरोना की आई थी उससे बड़ी सीख ली गई है। हेट स्पीच और फेक न्यूज पर कड़ी नजर चुनाव आयोग रखेगा। पार्टियों को ये बताना होगा कि उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया गया है। आपराधिक अगर कोई भूमिका है तो वो भी जानकारी देनी होगी। 80 प्लस दिव्यांग और कोविड मरीजों के लिए पोस्टल बैलेट का इंतजाम किया गया है। किसी को अगर चुनावी बूथ तक पहुंचना है तो उसकी जानकारी आप अपने इलाके को डीएम को दीजिए। चुनाव आयोग के द्वारा वो इंतजाम भी किया जाएगा। सुविधा ऐप के जरिए नामांकन भर सकते हैं उम्मीदवार, ये सुविधा पहली बार दी गई है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा, यानी कोविड को देखते हुए बड़े इंतजाम किए गए हैं। 1620 मतदान केंद्रों पर सिर्फ महिला कर्मचारियों को पोस्ट किया जाएगा। तो ये जो बड़े एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं, एक बूथ पर 1250 से ज्यादा वोटर नहीं, ये संख्या कम की गई है। 900 ऑब्जर्वर्स चुनाव पर नजर रखेंगे और सभी वैक्सीनेटेड होंगे, उनको बूस्टर डोज लगाई जाएगी। तो तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, जिस तरीके से तीसरी लहर कोरोना की अपना कहर ढा रही है। तो ये तमाम वो एहतियाती कदम, वो तमाम 10 बड़ी बातें हमने आपको बताई। ABP News आपको रखे आगे।